हेलो एडिटर, कैसे हो आप सब। एंड आज की इस वीडियो हम कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं और साथ ही आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप बैकग्राउंड से मैच कर सकते हो अपने फोटो को, स्किन स्मूथ कैसे करता हूं और अपने फोटो पे लाइटिंग कैसे करता हूं कुछ इस तरीके से। तो वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली बता दूंगा। तो इसके लिए आपको सिंपली इस वीडियो को एंड तक देखना होगा और समझना होगा ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। और फिर भी आपको कोई डाउट होती है गाइस तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए गाइस आज की इस इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करना होगा एंड ये वाली बैकग्राउंड को ऐड कर लेना होगा। तो ऐड करने के बाद सबसे पहले सिंपली रॉ वाली ऑप्शन को ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद आपको सिंपली ऐड ऑब्जेक्ट को प्रेस करके फोटो को प्रेस करना है और ये वाली पीएनजी को ऐड करके सिंपली इसे बड़ा कर देना है और इस तरह से आपको सेट कर देना है। और सेट करने के बाद आपको मैं यहाँ डिफरेंस दिखा के बता देता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ देख सकते हो भाई ऐड करने के बाद डिफरेंट। तो इस तरह से ऐड करने के बाद आप इजीली अपना मॉडल को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद सिंपली आप क्या करूँगा, सिंपली प्लस वाले आइकन को प्रेस करके एम्पटी लेयर को प्रेस करेंगे और उसके बाद ऐड ऑब्जेक्ट को अगेन प्रेस करके फोटो को प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं अपना एक मॉडल फोटो को ऐड करूँगा। एंड सिंपली आपको इस तरह से अपना फोटो को सेट कर लेना है जैसे कि मेरे मॉडल कुछ इस तरीके से सेट हुई है। और हाँ, मैं बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा हूँ तो अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आती गाइस तो मेरी ये वाली वीडियो को देख लेना। इस वाली वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बता दें कि कैसे आप प्रॉपर बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ अगेन प्लस आइकन को प्रेस करके एम्पटी लेयर को प्रेस करना होगा। उसके बाद ऐड ऑब्जेक्ट को अगेन प्रेस करके फोटो को प्रेस करेंगे और ये जो पपी है इसे ऐड करेंगे एंड सिंपली इसे बड़ा करके यहाँ पे सेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। आपको इसमें बड़ा करना है और कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से ऐड करने के बाद आपको यहाँ प्लस वाले आइकन को अगेन प्रेस करके एम्पटी लेयर को प्रेस करना है और अगेन ऐड ऑब्जेक्ट को प्रेस करके फोटो को प्रेस करना है और इस वाली कैट को ऐड करके आपको सिंपली इसे बड़ा करना है। एंड मैं इसे मॉडल के बैक साइड पर रखूँगा क्योंकि इस तरह से थोड़ा सा क्यूट सी लगेगी, फनी टाइप से, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेट करा है। आप भी यहाँ पे सेट करके थोड़ी फ़ोटो को यूनिक बना सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट करा है। एंड उसके बाद इसे डन कर देंगे और यहाँ पर सिंपली आपको एक और पीएनजी को ऐड करना होगा, एक और पैड पीएनजी को, जैसे कि यहाँ पर मैंने राइट साइड पे सेट करा। तो सेट करने के बाद आप क्या करोगे, प्लस वाले आइकन को अगेन प्रेस करके एम्पटी लेयर को प्रेस करना और सिंपली इस वाली लेयर को अपने मॉडल के जस्ट नीचे पे रखना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने मॉडल के जस्ट नीचे पे रखा। और उसके बाद आपको सिंपली ब्रश वाले आइकन को प्रेस करके ब्रश की सेटिंग को चेंज कर लेना है क्योंकि कलर वाली सेटिंग तो करना नहीं पड़ेगा, मतलब ब्लैक कलर पहले से चूज है या सेलेक्ट है। सिंपली आपको यहाँ पे मतलब यहाँ सिंपली शैडोज क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं ड्रॉ करते जा रहा हूँ एंड यहाँ शैडोज क्रिएट होते जा रही है। तो इस तरह से अपने मॉडल पे शैडोज बनाना है। और हमने एनिमल सेट करा है वहाँ पे भी थोड़ा सा कर सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। एंड उसके बाद क्या करेंगे, और सिंपली लेयर वाले ऑप्शन पे अगेन आ जाएंगे। देन सेम आपको न्यू लेयर क्रिएट करना होगा एंड कलर वाले ऑप्शन को प्रेस करके स्काई ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करा और इसे डन करेंगे। एंड उसके बाद ब्रश की सेटिंग को चेंज करेंगे। तो देखो ब्रश की सेटिंग को चेंज करने के बाद आपको अपने हेयर पे कुछ इस तरह से ड्रॉ करना होगा, पेंट करना होगा और उसके बाद आपको अगेन ब्रश की सेटिंग को प्रेस करके हार्डनेस को इंक्रीज करके इस तरह से पेंट करना होगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, सिंपली ब्रश की सेटिंग को चेंज करके वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना एंड इस तरह से थोड़ा सा ड्रॉ कर देना जैसे कि मैं कर रहा हूँ, वैसे ही आपको सेम फॉलो करना है। और उसके बाद सिंपली इरेजर को प्रेस करेंगे और इरेजर को प्रेस करने के बाद ब्रश की सेटिंग इरेजर की सेटिंग को चेंज करेंगे एंड बैकग्राउंड पे इस तरह से इरेज करेंगे, मतलब बाहर साइड मॉडल के। तो जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ मॉडल के बाहर साइड, वैसे ही आपको करना है।
तो गाइस यहाँ से परफेक्टली हो चुकी है इरेज, आप यहाँ देख ही सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इरेजर की सेटिंग को अगेन चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने चेंज करा। और उसके बाद आपको मॉडल के अंदर से करना है, मतलब कि जैसे मॉडल के बाहर से कर रहे थे वैसे अब अंदर से इरेज करेंगे, तब ये जाके थोड़ी सी रियलिटी लगेगी। जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हो, जैसे लग रही है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है पीछे से, एंड हमारी फोटो थोड़ी सी रियलिटी लग रही है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा कलर वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ थोड़ा सा और अच्छे से पेंट कर देता हूँ अपने हेयर पे, थोड़ी सी और रियलिस्टिक लगे, एंड उसके बाद मैं इसे कर दूंगा डन। और उसके बाद आप क्या करेंगे, टूल्स पैक के एडजस्ट को प्रेस करेंगे, एंड इसमें हम ब्राइटनेस को लो करेंगे, वैसे ही सैचुरेशन को लो करेंगे, हाईलाइट को भी कम करेंगे, शैडोज को भी कम कर देंगे। और उसके बाद इरेजर को प्रेस करेंगे। नाउ अब इनवर्ट को प्रेस करके ब्रश की सेटिंग को चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा। वैसे आपको सेट करने के बाद आपको इस तरह से डार्क करते जाना है जैसे मैं कर रहा हूँ, जिससे यहाँ पर थोड़ी सी आपको शैडोज भी क्रिएट होगी एंड थोड़ी सी डार्क वाली इफेक्ट आ जाएगी। तो ये वाली प्रोसेस हो गई है कंप्लीट। उसके बाद आपको इरेजर को प्रेस करना है एंड हार्डनेस को इंक्रीज़ करना है, ओपेसिटी को भी इंक्रीज़ करना है, साइज को मेट पे रखेंगे एंड इस तरह से इरेज करेंगे। तो हल्के से आपको इरेज करना है, ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना, हार्डनेस को भी कम कर लेना। और मैं जैसे इरेज कर रहा हूँ ना, वैसे आपको इरेज करते जाना है बाहर से ही मॉडल के, मतलब बैकग्राउंड पे ही आपको इरेजर चलाना है, बाकी मॉडल के अंदर नहीं चलाना है, जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हो। और उसके बाद आपको इसे असेंबली कर देना है डन। और डन करने के बाद अब मैं इसमें अगेन डन कर दूंगा और टूल्स पे अगेन आके एडजस्ट को प्रेस करेंगे एंड इसमें ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे एंड इरेजर को प्रेस करके इनवर्ट को प्रेस करेंगे एंड ब्रश की सेटिंग को चेंज करेंगे। और उसके बाद ब्रश की सेटिंग को चेंज कर लोगे और उसके बाद आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, लाइट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो अपने हैंड पे करेंगे, कपड़े भी करेंगे, हेयर भी कर सकते हो। बट यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया स्किन स्मूथ कैसे कर सकते हैं, तो अब बारी है स्किन स्मूथ की, तो आगे आपको मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें इफेक्ट्स वाली ऑप्शन को प्रेस करना होगा एंड यहाँ आने के बाद स्मार्ट ब्लर वाली फिल्टर को ओपन करना है या सेलेक्ट करना है एंड जूम करना है अपने फेस पे, और स्मार्ट ब्लर की जो सेटिंग है, हार्डनेस है, उसे कम करना है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो जैसे मैंने कम करा। देन मैक्स ब्लर की सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करके देख लेता हूं, तो ये परफेक्ट है। देन इरेजर को प्रेस करके इनवर्ट को प्रेस करेंगे एंड ब्रश की सेटिंग को करेंगे चेंज। ओके, आपको अपने फेस पे जूम करना है एंड स्किन स्मूथ करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। वैसे आपको स्किन स्मूथ करते जाना है, जिससे आपकी जो स्किन है वो भाई प्रॉपरली स्किन स्मूथ हो जाएगी और फोटो आपकी बहुत ही अच्छी लगेगी, जैसे कि आप यहाँ मेरी फोटो को देख सकते हो। तो यहाँ कम्प्लीटली हो चुकी है स्किन स्मूथ, उसके बाद आपको इसे डन कर देना है। देन आपको टूल्स को प्रेस करना है अगेन एंड एडजस्ट को सेम प्रेस करेंगे एंड ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड अपने फेस पे थोड़ा सा लाइट अप करेंगे। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा लाइटिंग करूँगा अपने फेस पे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ सेटिंग कर करके। तो ऐसे आपको सेटिंग करते जाना है एंड अपने हिसाब से थोड़ा सा अपने फेस पे लाइट करते जाना है। आप यहाँ देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर में, एंड इसके बाद इसे हम कर देंगे डन। और डन करने के बाद आपको यहाँ ऐड फोटो को प्रेस करना होगा एंड ये वाली पिंच को ऐड करके बड़ा करेंगे एंड ब्लेंड पे आके स्क्रीन मोड कर देंगे, जिससे आपको क्या मतलब रैन वाली इफेक्ट देखने को मिलेगी। इरेजर को प्रेस करके अपने फेस पे थोड़ा सा टच कर देना, जिससे फेस पे जो जिससे रैन की पीएनजी फेस पे आ रही थी वो हो जाएगी क्लियर। एंड उसके बाद आपको सिंपली ड्रॉ वाली ऑप्शन को ओपन करके अपना फोटो कर लेना सेव। नाउ अब आपको लाइट रूम में आपको ओपन करना होगा।
क्योंकि यहाँ पे हम लाइट करेक्शन, कलर करेक्शन एंड अपने फ़ोटो पे थोड़ा सा और डिटेल बढ़ाएंगे। तो मैं फ़ोटो को पहले ऐड कर लेता हूँ एंड फोटो को ऐड करने के बाद सबसे पहले ये वाली ऑप्शन पे आके क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, थोड़ा नहीं पूरा इंक्रीज़ करेंगे। लाइक आप यहाँ देख ही सकते हो क्लैरिटी को इंक्रीज़ करने के बाद कितना तबाही लग रही है। एंड उसके बाद विगनेट को भी थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं एंड सेचुरेशन को भी इंक्रीज़ करेंगे, टाइम को माइनस करेंगे। देखो टाइम को माइनस करोगे तो आपको ब्लू इफेक्ट देखने को मिलेगी जिससे बैकग्राउंड हमारी मैच हो जाएगी, आप यहाँ देख ही सकते हो। तो इसे थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दूंगा। देन मिक्स टैब को ओपन करके यहाँ सेचुरेशन को इंक्रीज़ करेंगे और ऑरेंज कलर पे आके यहाँ भी थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करके देख लेते हैं। लाइक सेचुरेशन को इंक्रीज़ करा, लुमिनस को भी इंक्रीज़ करूँगा और ब्लू वाली कलर पे आके यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे ही मेरा येलो कलर का शर्ट है तो येलो कलर पे भी आके थोड़ा सा सेचुरेशन वगैरह को इंक्रीज़ करके देख लेता हूँ। वेल यहाँ प्रॉपर हो चुकी है सब सेट एंड उसके बाद आपको लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे लाइट करेक्शन करेंगे। जैसे एक्सपोजर को मैंने माइनस करा, कॉन्ट्रास्ट को माइनस करा, शैडोज वगैरह को इंक्रीज़ करा, वैसे ही आपको करना होगा तब जाके हमारी जो फोटो है कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हो भाई मोबाइल में इस तरह से एडिटिंग भाई तबाही से लग रही है, आप यहाँ देख ही सकते हो। तो सिंपली आप शेयर वाले आइकन को प्रेस करके एक्सपोर्ट को प्रेस करेंगे एंड अपना फोटो को कर लेंगे सेव।